यस या नो टाइप। देखिए इंट्रोगेटिव दो तरीके के होते हैं, एक तो क्वेश्चन वाले और एक यस या नो टाइप वाले। ये वाला जो हम करवा रहे हैं इसमें पहला है यस या नो टाइप। जैसे डू डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क निशान। ठीक, अब इसमें यस या नो टाइप क्या है जरा देखिए। पहला क्वेश्चन आए, क्या तुम क्या चाय पीते हो? पीते हो, ठीक है, क्या तुम चाय पीते हो? इसकी अंग्रेजी बनेगी डू यू टेक टी। डू यू टेक टी, चाय पीने के लिए टेक लगाते हैं। कभी कभी कोई ड्रिंक भी लगा देता है, ड्रिंक नहीं टेक सबसे अच्छा रहता है। डू यू टेक टी, तो मैंने क्या कहा? डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो? तो मैंने जवाब दिया नो। क्या क्या? नो आई डू नॉट टेक टी। मैंने जवाब दिया नो आई डू नॉट टेक टी, नहीं मैं चाय नहीं पीता हूं। तो इसमें क्या आ गया? नो आ गया। अगर इसी को यस करना है तो यस आई टेक टी, यस मैं हां मैं चाय पीता हूं, तो डू नॉट नहीं लगाएंगे। जब मना करेंगे तब डू नॉट लगाएंगे। नो आई डू नॉट टेक टी, नहीं मैं चाय नहीं पीता हूं। दो बार नहीं आएगा, पहले कहोगे नहीं तुम चाय पीते हो, नहीं मैं चाय नहीं पीता। दूसरा तुम चाय पीते हो, क्या तुम चाय पीते हो? यस आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं। तो ये कौन सी टाइप हो गए? यस आ नो टाइप, यस आ नो टाइप। ठीक, दूसरा इसमें देख लीजिए, क्या तुम्हारी माताजी बाजार जाती हैं? ठीक, तो तुमने कहा, इसकी अंग्रेजी बनेगी डज योर मदर, डज योर मदर गो टू मार्केट? तुमने कहा, क्या जवाब दिया? नो। इसका ये सवाल जवाब पूछ रहे हैं, यस या नो करा चुके हैं। ठीक है, नो माई मदर डज नॉट गो टू मार्केट, इस तरीके से। दूसरा देखिए, तीसरा, क्या बच्चे रोते हैं? तो डू, बच्चे रोते हैं, बच्चे बहुवचन में हैं, चिल्ड्रन। डू द चिल्ड्रन बी, अगर होता क्या बच्चा रोता है तो हो जाता डज द चाइल्ड। ठीक है, चौथा देखिए, क्या किसान खेत जोतता है? तो हो जाएगा डज, किसान एक ही तो है, डज द फार्मर प्लाउ PLOUGH प्लाउ द फील्ड। डज द फार्मर प्लाउ द फील्ड। अब ये तो थे यस या नो टाइप।